इंदौर पुलिस की एक बार फिर शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसमें महज मास्क नहीं लगाने पर एक ऑटो चालक को बीच सड़क पर पुलिस जवानों ने बेरहमी से पीटा। इस दौरान ऑटो चालक का मासूम बालक पुलिस जवानों से मिन्नतें करता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक बार नहीं सुनी। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने तत्काल दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना महामारी अपने प्रकोप से सभी को डरा रही है, तो वहीं लगातार नगर निगम और पुलिस की ज्यादती की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को फिर एक घटना सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन को शर्मसार कर दिया। दरअसल ठीक से मास्क नहीं लगाने पर परदेसीपुरा पुलिस थाने के दो जवानों ने ऑटो चालक कृष्णकांत कुंजीर को उसके मासूम बेटे के सामने जमकर मारा। इस दौरान मासूम बच्चा अपने पिता को बचाने के लिए लगातार पुलिस जवानों से मन्नतें करता रहा, लेकिन पुलिस जवान धर्मेंद्र जाट और कमल प्रजापत पर तो मानो खून सवार हो, उन्होंने किसी की भी एक नहीं सुनी। ऑटो चालक कृष्णकांत का आरोप है कि पुलिस जवानों ने मास्क नाक के नीचे होने पर भी थाने ले जाने के लिए जिद की। माफी मांगने के बाद भी जब थाने ले जाने से मना किया तो उसे जमीन पर घसीट घसीट कर मारा। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। ये जो कल घटना हुई आपके साथ पुलिस कर्मियों द्वारा, किस प्रकार घटना हुई थी और किस संदर्भ में हुई थी? एक्चुअली सर, मैं पादर का डब्बा देने जा गया था, एम्बाय में भर्ती है मेरे पापा, तो मैं उनका टिफिन देने जा गया था सर, तो मेरा मास्क थोड़ा मुँह के नीचे था, मतलब नाक नहीं ढकी थी मेरी, तो नाक नहीं ढकने के चक्कर में उनने मेरे को रोका और मेरे को बोले कि आपने मास्क नहीं लगाया सही साथ, इसलिए आपको थाने चलना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला सर कि वो बोले थाने चलना पड़ेगा, तो मैंने उनको बताया सर कि मेरे पापा भर्ती है एम्बाय में और मैं उनका टिफिन देने जा रही हूँ सर, तो इसलिए सर आप मैं नहीं आ पाऊँगा सर, तो बस जी बोले आप सुन नहीं रहो, बोले आप चलो आपको थाने चलना ही पड़ेगा सर, तो बस उस बात से सर वो दोनों जने मेरे पे वो टूट पड़े, वो दोनों जने मेरे पे टूट के मेरे संग अभद्र विवाह किया, मेरे को गालियाँ दी माँ बहन की गंदी गंदी, उसके बाद मुझे नीचे पटका, नीचे पटक पटक के मुझे इतना बेरहमी से मारा उनने, मेरे गले में दो तावीज बंधे हुए थे आटा धागे के, तो वो धागे के तावीज उनके हाथ में आ गए थे, तो उनने धागे के तावीज घुमा के मेरे को फांसी देने के उसमें थे सर, ये पूरी लगी हुई है मुझे इधर ऊपर। क्या नाम था पुलिस कर्मियों को उनका? सर एक का नाम था अपना कमल प्रजापत और सर दूसरे का नाम था धर्मेंद्र जाट। और इसमें उस समय आपके साथ कौन कौन मौजूद था? उस पे सर हमारा रिक्शा स्टैंड था वहाँ पे सर, तो रिक्शा स्टैंड पे फिर अब जैसे जैसे पता पड़ा कि मुझे मार रहेंगे सब दो। आपके साथ और भी कोई था? आपके सर मेरा लड़का था सर, ये लड़का था, मेरी मम्मी आई थी बाद में छुड़ाने, मेरी मिसेस आई थी, मेरी बहन आई थी, उसके बाद कहीं ऊपर उच्च अधिकारी से किया आपने? ऊपर उच्च अधिकारी सर हमारे काका थे, तो सर उनको मैंने बोला था, तो उनने फिर वो बोला था, तो वो सर जब जाके उनने मतलब मेरे भाई को छोड़ा थाने से, मेरे भतीजे को छोड़ा और बेन को छोड़ा, भाभी को छोड़ा और मुझे भी छोड़ा सर। मुझे तो शिकायत सर वो शिकायत मैंने टी आई साहब को बोला, तो टी आई साहब बोले कि भैया ठीक है, बोले अब लिया है आपकी वहाँ हो गई मगजमारी, तो बोले आपको छोड़ देंगे, बोले हम दो चार घंटे में, बोले आप बैठे हो, बोले तो मैंने ठीक है सर। तो फिर हमारे पापा वहाँ एम्बाय में भर्ती थे सर, तो माता राम को वहाँ टिफिन देने जाना था, तो फिर माता राम को तो मैंने बोला आप जाओ बोला टिफिन दे देंगे। मेरा नाम सर कृष्णा विभीषण कुंजीर। अब वो पापा मेरे जा रहे थे, तो पुलिस अंकल ने पुलिस वाले ने मेरे पापा को पकड़ लिया, तो मैं बचाने गया था, मेरे को लगा कि मेरे पापा कोई मेरे पापा ही नहीं है, तो मैं भग के आया, तो पापा को छुड़ा रहा, तो पुलिस वाले ने मेरे को धक्का दिया, तो मैंने हाथ अड़ाया तो हाथ पे लग गई मेरे, तो इस कारण से आपके पापा को पकड़ा था पुलिस वालों ने। वो तो पापा मेरे ना मेरे दादा को डब्बा देने जा रहे थे, तो वो पापा का बस मास्क नीचे था, मास्क मैंने भी देखा था मेरे आगे से, मेरे मास्क नीचे था, तो पुलिस वाले ने
क्या कर रहा तो थोड़ा है ना उधर तो पापा ने भी कुछ नहीं बोला तो बाबू सर सर और पापा ने हाथ पैर भी जोड़े मेरे तो जब भी नहीं सुने तो थाने ले जा रहे थे तो पापा बोल रहे थे कि बाद में आऊंगा तो है ना ऐसे ने ना पहले तो उनका गला हिस्सा तो गला हिस्सा और उनके घुटने और सब फट गए और हाथ पे भी लगी और ये यहाँ पे भी लगे। मेरा नाम यश कृष्णा कुंजीर। इंदौर के लिए एक और शर्मनाक बात आज फिर हुई है। अभी तक तो नगर निगम कर्मचारी लोगों को मार रहे थे, अब पुलिस वाले भी मारने लग गए हैं। वो लगातार इंदौर शहर में क्या हो गया कोई बोलने को तैयार नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपवास पे बैठे हुए, मंत्री लोग बंगाल चुनाव में लगे हुए, हर आदमी अपने चुनाव अपने काम में लगवाओ। सरकार ऐसा कुछ, कोरोना महामारी चल रही है। मैं आज अस्पताल में घूम के आया, वहां भी देखा हालत बदतर हो रही है। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही, हर चीज में हाहाकार मचा हुआ है। और आज की सन घटना जो पुलिस वालों ने बरदेसीपुरा के अंदर थाने के अंदर एक भी अपने पति के सामने बच्चों को और सबको मारा, ये बहुत शर्मनाक घटना है। उस घटना के लिए मैं निंदा करता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ इनको सस्पेंड करने, बर्खास्त सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा, इनको सस्पेंड बर्खास्त करना चाहिए। जैसे इंदौर शहर में लोग दुकानें खोल रहे तो उनको सील किया जा रहा है और कलकलाली खुली पड़ी हुई है, तो ऐसे ही इसको बर्खास्त करेंगे तो आम जनता को अच्छा लगेगा और आम जनता की सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इंदौर शहर में लगातार इस महामारी के अंदर पूरा चपेट में आ चुका है। इंदौर अस्पताल खाली नहीं है, एक बेड खाली नहीं है और उसके अंदर पुलिस वाले मार रहे हैं, नगर निगम वाले मार रहे हैं और आम आदमी से अत्याचार हो रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं इन पुलिस वालों को आप बर्खास्त करें और इंदौर शहरी जनता के लिए अच्छा काम करें। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मी धर्मेंद्र जाट और कमल प्रजापत को लाइन अटैच कर पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीएसपी परदेशीपुरा को सौंपा है। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक अधेड़ को मार रहे, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए इसमें जैसा कि जिस स्थिति में आज इंदौर में कोरोना स्प्रेड हो रहा है और अस्पतालों की स्थिति है तो लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार इंसिस्ट किया जा रहा है। इवन कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर स्पॉट फाइन और उन पर 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी को रखते हुए पुलिस जो है परदेशीपुरा की पुलिस जो है इसमें कर रही थी रोको टोको अभियान के तहत, और इसमें जो एक आदमी है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके जो है दो मामले इस पर कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं ताकि पुलिस की छवि निगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो सीएसपी परदेशीपुरा है इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है, जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार है कि इस तरीके से जो कहीं ना कहीं जहां पुलिस कार्रवाई करती है इस तरीके से मारपीट के जो वीडियो वायरल होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो असामाजिक तत्व टाइप के होते हैं जो ऐसे वीडियो बना के वायरल? देखिए ये तो एक टेंडेंसी है, यदि वो गलत वीडियो वायरल कर रहे हैं तो इसका एक ही उपचार है कि हम जो है उसका सही तरीके से तथ्यात्मक रूप से उसका खंडन करें, और यही एक आई थिंक यही एक सबसे असरदार और कारगर तरीका है। बाकी यदि कोई अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए करता है तो फिर निश्चित तौर पे उसका फिर अलग ही जो कानून सम्मत कार्रवाई है उस पर होनी चाहिए। आया था मारपीट का, इसमें दो जवानों का नाम आ रहा है, उनके साथ है इसे सुनने में लाइन टेस्ट भी कर दिया गया है, इसकी जानकारी? आज थाना परदेशीपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक वाकया हुआ जिसमें दो पुलिसकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते प्रथम दृष्टया साहब एसपी महोदय द्वारा इस मामले की जांच को गंभीर जांच में ले लिया गया और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से आरक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अभी तक जितनी बात पता चली उसमें से ये बात निकल के आ रही है कि आरक्षकों द्वारा आज रूटीन उस चेकिंग में, जिसमें चूंकि इस व्यक्ति के ऊपर दो अपराध पहले के पंजीबद्ध हैं और कुछ घटनाओं में संलिप्तता इनकी कुछ रही है, ऐसा पूर्व इनका रिकॉर्ड है, जिसके चलते आरक्षकों का कहना ऐसा कि उस वारदात की पूछताछ के चलते वो लोग वहाँ पर गए थे, इनके द्वारा मास्क भी पहना हुआ नहीं हुआ था और
जब इनसे आरक्षकों द्वारा चलने की बात की गई तो इन चलने की बात को नकारते हुए इन्होंने आरक्षकों के साथ में हुज्जत करी, जिसके चलते कोई ये पूरा वाक्य हुआ। जितना भी वीडियो वायरल है उसमें से आरक्षकों का, जैसा मैंने बताया, आचरण संदिग्ध पाते हुए इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर ही दिया गया है और उस पर जाँच बिठा दी गई है। अब चूँकि आरक्षकों ने ऐसी बात कही कि इनका पूर्व रिकॉर्ड है और ये जितनी भी बातें सामने आई हैं और जाँच में उसके ऊपर उसका प्रॉपर उसका खुलासा किया जाएगा और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। ये फिरोज गांधीनगर की थाना परदेसीपुरा क्षेत्र का अपराध, इनके ऊपर दो अपराध पूर्व के पंजीबद्ध हैं जिसमें कि जो आज का वाक्य हुआ इसके ऊपर से भी 110 और 151 की कार्रवाई पुलिस के द्वारा इनके ऊपर की गई है। सर बता रहे हैं किसी मामले में फरार जी, ऐसा कुछ पता चला है कि एक जो आज पूरा वाक्य भी हुआ, ऐसा आरक्षकों का है ना कि एक अज्ञात चाकूबाजी के संबंध में पूछताछ करने भी गए थे। अब उसमें वो है नहीं है ये बात की बात ही, पर जो भी वाक्य हुआ वो जिस प्रकार से निकल के आया उससे ये पूरा मामला उठा। इंदौर में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा लगातार सख्ती कर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते शहर में एक के बाद एक विवाद की घटना सामने आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस घटना के बाद पुलिस और निगम कर्मी कितना सबक लेते हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।